हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या आप किसी इंस्टीट्यूट से टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को सीख रहे हो या फिर आपका टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है और आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि हम प्रोफेशनल तरीके से टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में कंपनी किस प्रकार से क्रिएट करते हैं, क्योंकि अब आपके लिए एक प्रोफेशनल तरीका आपको यूज़ करना पड़ेगा। जो आपने इंस्टीट्यूट पे सीखा था अब वो आपका तरीका काम नहीं आने वाला है, क्योंकि जब भी आप कंपनी क्रिएट करोगे, जब किसी बिजनेस के हम रियल प्रैक्टिकल अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है, टेली कंपनी क्रिएट करते वक्त, लेजर क्रिएट करते वक्त और उसके साथ साथ स्टॉक आइटम क्रिएट करते वक्त, क्योंकि ये सारी बातें, छोटी छोटी जो बातें, बहुत सारा आपका रोल अदा करती है एज ए आपको बेस्ट अकाउंटेंट बनाने में। जैसा कि हम टेली कंपनी क्रिएट करते वक्त हमें डेटा पाथ को क्या सिलेक्ट करना चाहिए, कंपनी का नाम हमें किस प्रकार से लिखना होता है, एड्रेस हमें कहाँ फिलअप करना होता है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद हमारा सिक्योरिटी कंट्रोल हमें किस प्रकार से यूज करना है और उसके बाद हमारी कंपनी की जो टैक्सेशन से रिलेटेड जो डिटेल्स है, जैसा कि GST नंबर है, टेन नंबर है, पैन नंबर है, कंपनी का कोई और आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर है, तो उसको हम किस प्रकार से यूज़ करते हैं और वो भी हमारा अपडेट रूल के साथ हमें नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद जो हमारी कंपनी में, कंपनी क्रिएट करने के बाद में जो हमारा काम बचता है, लेज़र क्रिएट करना, तो लेज़र क्रिएट करते वक्त भी आपको पता होना चाहिए भी आप उसका ग्रुप सिलेक्शन क्या रखोगे, एड्रेस किस तरीके से फिलअप करना होता है और उसकी कंपनी की टैक्स की डिटेल हम कहाँ पर फिलअप करते हैं, और उसके बाद में स्टॉक आइटम किस प्रकार से क्रिएट की जाती है, उसकी यूनिट हम किस प्रकार से क्रिएट करेंगे और उस स्टॉक आइटम के संबंधित जो उसकी टैक्स की डिटेल होती है, जैसा कि उस स्टॉक आइटम का डिस्क्रिप्शन, HSN कोड और उसका टैक्स रेट, ये सारी बातें हमें कहाँ कहाँ लिखनी होती है टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भी जो रियल बिजनेस की जो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग होती है ना, वही तरीका आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो का पूरा देखिएगा तभी आप सारी बातें अच्छे तरीके से समझ पाओगे, कोई भी पॉइंट आपको इस वीडियो का स्किप नहीं करना है। अगर आपने स्किप कर दिया तो बहुत कुछ आप इस वीडियो में से मिस करने वाले हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड और टैली प्राइम से रिलेटेड नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आई, नॉलेजेबल लगे तो वीडियो का लाइक जरूर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर कर देना। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, टैली प्राइम को ओपन हम करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे। आप चाहे ये टैली प्राइम सॉफ्टवेयर आप अपने एजुकेशनल मोड में यूज़ कर रहे हो, चाहे आप अपना सिल्वर वर्जन यूज़ कर रहे हो, जो आपको अकाउंटिंग करने का मेथड है ना, वो सभी में सेम ही रहता है। एजुकेशनल का मतलब ये होगा भी आपने प्रैक्टिस के लिए उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया हुआ है, और सिल्वर वर्जन का अगर आपके पास यहाँ पे सिल्वर लिखा रहा है तो सिल्वर का मतलब हो गया भी आपने उसका डिस्क्रिप्शन यानी कि सब्सक्रिप्शन उसका आपने ले रखा है, उसका आपने पैसा दिया हुआ है, यानी कि आपने उस सॉफ्टवेयर को परचेज कर रखा है। अगर परचेज नहीं होगा तो आप पे सिल्वर की जगह आपके पास में एजुकेशन लिखा होगा, यानी कि EDU लिखा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सॉफ्टवेयर बिल्कुल सेम होता है, बस फर्क इतना कि आप उसके अंदर डेट चेंज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बात आएगी हमारी कंपनी क्रिएट करने की। तो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर करते हैं, हमारे सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी, और जैसे हमारे सामने विंडो ओपन होगी तो अगर हमारी टैली सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी कंपनी बनी हुई है तो उन सभी की लिस्ट आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन हम बिल्कुल फ्रेश कंपनी क्रिएट करेंगे तो बिल्कुल नई कंपनी क्रिएट करने के लिए हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा क्रिएट कंपनी का। सबसे पहले हम चलेंगे क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पर। तो जैसे ही हम कंपनी की क्रिएट के ऑप्शन पे चलेंगे तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखना है, जैसे इस विंडो पे हम आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर F12 प्रेस करना है, यानी कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इसको आपको ओपन करना है। आप चाहे तो कीबोर्ड से F12 भी प्रेस कर सकते हो या इस कॉन्फ़िगरेशन पे हम क्लिक भी कर सकते हैं। तो उसके बाद में ये कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलेंगे, तो ये हो सकता है आपके पास ऑलरेडी यस हो, अगर यस नहीं है तो इन सभी ऑप्शन को आपको यस कर लेना है। तो यस करने से क्या होगा, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमें और स्क्रीन पर दिखने लग जाएगी, जैसे आप देख रहे हो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ गई है। तो अब सबसे पहली बात हम करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे,
कंपनी क्रिएट करते वक्त, तो जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो आपको काम है ना, वो ये काम करना है भी जो आपकी कंपनी का जो डेटा पाथ है वो आपको ध्यान में रखना है भी वो आपकी कौन सी ड्राइव के अंदर जा रहा है। अब डेटा का मतलब क्या हो गया भी जो आप इस कंपनी में वर्किंग करोगे, काम करोगे, ट्रांजेक्शन जो पास करोगे, सेल परचेज पेमेंट रिसिप्ट के जो वाउचर पास करोगे, वो डाटा आपका कहाँ पर जाके सेव होने वाला है। तो अभी आप देख रहे हो जैसे मैंने कंपनी क्रिएट किया तो ये बाय डिफॉल्ट मेरे पास ये आ रहा है पाथ इसका, यानी कि सी ड्राइव उसके अंदर यूजर, उसके अंदर सब फोल्डर हमारा पब्लिक का, पब्लिक के अंदर भी ये कुछ हमारे फोल्डर टेली प्राइम, उस टेली प्राइम के अंदर जाके हमारा डेटा का जो रिकॉर्ड फोल्डर है वो सेव होगा और उस डेटा फोल्डर के अंदर इसी कंपनी का रिकॉर्ड सेव होगा। लेकिन आपको एक विशेष ध्यान में रखना है, अगर आप किसी कंपनी की अकाउंटिंग मेंटेन करते हो जहाँ पर उसका अकाउंटिंग का जो रिकॉर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको हमेशा के लिए सेव रखना है, तो आपको सी ड्राइव के अंदर रिकॉर्ड है जो नहीं लिखना, आपको ये विशेष ध्यान रखना है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट पे सीख रहे हो तो वहाँ पर कोई भी पाथ है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आप एज ए प्रैक्टिस के लिए सीख रहे हो, न कि वो आपका कोई रिकॉर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और किसी कंपनी की अगर हम बात करते हैं, किसी मतलब बिजनेस का अगर अकाउंट हम रिकॉर्ड लिखते हैं तो वो रिकॉर्ड हमेशा हमें सेव रखना होता है। तो अब हमें सी ड्राइव के अंदर इस रिकॉर्ड को क्यों नहीं रखना है, क्योंकि हमारी सिस्टम के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे हम विंडो बोल देते हैं तो वो ऑलमोस्ट सी ड्राइव के अंदर ही होता है। अगर किसी कारणवश अगर वो सी ड्राइव हमारी क्रैश हो जाती है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्रैश हो जाता है, उड़ जाता है, तो हमारी इस सी ड्राइव के अंदर जो भी रिकॉर्ड रहेगा तो वो रिकॉर्ड हमारा लॉस होने का चांस पूरा पूरा रहेगा। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, आपको कंपनी का जो डेटा पाथ है वो सी ड्राइव में नहीं रखना, जैसा कि मैं अब यहाँ पर चेंज करने जा रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, बैक स्पेस दबाना है, जैसे हम बैक स्पेस दबाएंगे तो आप इसके ऑप्शन पर आ जाओगे। तो अब हमें सी के अलावा कौन सा ड्राइव रखना होगा, कुछ भी रख दो, डी ई आप जो आपके सिस्टम के अंदर अवेलेबल हो। तो उसके लिए मैं करने वाला हूँ यहाँ पर सी को तो मैं हटा दूंगा, डी ड्राइव, और डी ड्राइव के अंदर बाद के अंदर मेरे एक्स्ट्रा जो भी मेरे पास यहाँ पर फोल्डर हैं उन सभी को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। और उसके बाद में ये मेरे पास मैंने एक सिंपल सा एक पाथ रख दिया, क्या रख दिया भी, अब मेरे पास डी ड्राइव और डी ड्राइव के अंदर एक टेली प्राइम के नाम से फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और उस फोल्डर के अंदर एक डेटा के नाम से मेरा फोल्डर हो जाएगा। तो ये मेरा डेटा जो ऑलमोस्ट सेफ रहेगा सी ड्राइव की बजाय। तो मैं एंटर प्रेस करूंगा यहां पर। अब हमारी यहां पर शुरुआत होगी कंपनी के नेम से। अब आपको जो कंपनी का नाम है, जो आपकी कंपनी है, जिस कंपनी का आप रिकॉर्ड मेंटेन करने जा रहे हो, उस कंपनी का नाम अब आपको यहां पर लिखना है। अब आपकी कंपनी का नाम क्या है, तो इसके लिए आपको या तो आप अपनी कंपनी की बिल बुक उठा लीजिए या फिर आप अपनी कंपनी का जो भी आपके पास ऑथेंटिक नाम है उसका रिकॉर्ड आपके सामने होना चाहिए। जैसा कि मेरे पास एक ये टैक्स इनवॉइस है और इस टैक्स इनवॉइस के आधार पे मेरी कंपनी का नाम आ रहा है स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी। तो ये स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी का नाम मेरे को यहाँ पर लिखना है, जैसा कि मैं मेरा नाम यहाँ पर लिख देता हूँ स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी का। और उसके बाद में यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आ जाएगा जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे मेलिंग नेम का, तो मेलिंग नेम के अंदर आप जो आपका कंपनी का नाम लिखा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, आप ऑटोमेटिक रख सकते हो, अदरवाइज आप इसका शॉर्टकट बना सकते हो STC, तो आप स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी ही रखें ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे एड्रेस के लिए आ जाएगा, अब एड्रेस आपको प्रॉपर रखना है जिस आपका लोकेशन के ऊपर आपको GST नंबर या आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है वो एड्रेस यहाँ पर आपको प्रॉपर फिलअप करना है। अब वो एड्रेस आपको कहाँ से मिलेगा, वो भी आपको अपनी इस बिल बुक से मिल जाएगा, या जैसे कि मैंने यहाँ पर इसका लिखा हुआ भी है स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी और जो मेरा एड्रेस है वो एड्रेस मैंने को यहाँ पर लिखना है। तो इसके बाद हम टेली पे चलते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया वार्ड नंबर 19, आपका एड्रेस चेंज हो सकता कोई दिक्कत नहीं है, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया नियर मेन बस स्टैंड। तो जैसे आपके एक लोकेशन पूरा हो गया, अब आपकी जो सिटी का नाम है वो आपको एंटर प्रेस करते हुए नीचे आना है और उसके बाद यहाँ पर आपको लिख देना है रायसिंह नगर और उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर। ओके, क्योंकि जो भी जितनी भी इन्फॉर्मेशन हम मैक्सिमम जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे सकते हैं कंपनी की वो यहाँ पर आपको अवेलेबल करानी है। उसके बाद आपका स्टेट आपसे पूछा जाएगा और स्टेट हमारा राजस्थान है, कंट्री आपका ऑटोमेटिक इंडिया रह जाएगा। उसके बाद आपकी कंपनी का जो एरिया का जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर पोस्टल कर देना है। देन उसके बाद आपकी कंपनी का मोबाइल नंबर जो कॉन्टैक्ट नंबर जो भी आपका है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद आपकी कंपनी का जो
ईमेल एड्रेस है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया एक बारी। देन उसके बाद अगर आपकी कंपनी की कोई वेबसाइट भी है तो वेबसाइट भी आप www. जो भी आपकी है, जैसे मैंने एक बार लिख दिया stc.com के नाम से। और उसके बाद में फाइनेंशियल ईयर, आपको ये बात भी इम्पोर्टेंट रहेगी भी आपको फाइनेंशियल ईयर किस प्रकार से देखना है, क्या सिलेक्ट करना है। तो फाइनेंशियल ईयर आप देख लोगे भी आपको कौन सी ईयर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। जैसा कि मेरे पास अभी ये टैक्स इनवॉइस है और ये एक नंबर इनवॉइस है, और ये टैक्स इनवॉइस कब इशू किया हुआ था, 2 अगस्त 2022 का। तो जाहिर सी बात है अभी फाइनेंशियल ईयर हमारा कब से स्टार्ट होता है, अकाउंटिंग पीरियड के अंदर 1 अप्रैल से लेके, और ये कब तक चलता है हमारा, 31 मार्च तक। तो यानी कि अब ये हमारा फाइनेंशियल ईयर कैस, इसको हम क्या मानने वाले हैं, यानी कि ये 1/4/2022 से स्टार्ट हुआ है, और 2 कब तक चलेगा, 31 मार्च 2023 तक का। तो इसको हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल ईयर हमारा 2022-23 है। तो अब आपको यहाँ पर पूछ रहा है भी फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट कब से है, तो ये आपका 1 अप्रैल 2022 से ही स्टार्ट रहेगा। ये विशेषकर ध्यान में रखना है, अगर ये गलती आपने कर दी तो आपको आगे दिखते आएंगी जब आप वाउचर ट्रांजैक्शन पास करोगे उस वक्त। तो ये आपको फाइनेंशियल ईयर जरूर सिलेक्ट कर लेना है, आपकी जो भी जिस ईयर्स की भी आप अकाउंटिंग लिख रहे हो वो ध्यान में रखना है। देन उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपके पास आ जाता है बुक बिगनिंग फ्रॉम। तो बुक बिगनिंग फ्रॉम का मतलब क्या चीज़ आ जाएगा, ये कह रहे भी फाइनेंशियल ईयर तो आपका 1 अप्रैल को स्टार्ट हो गया, लेकिन आपका बिजनेस कब से स्टार्ट है। अगर आपका बिजनेस इस डेट से पहले का है तो आपको 1 अप्रैल 2022 ही रखना है। अदरवाइज मान लीजिए आपका बिजनेस अगस्त मंथ में ही स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर आप अगस्त 1 अगस्त 2022 भी लिख सकते हो, लेकिन बेटर ये रहेगा भी आप ये बुक बिगनिंग फ्रॉम भी 1 अप्रैल 2022 ही रहने दे, आपको 31 मार्च 2023 कहीं पे भी नहीं लिखना, ये ध्यान रखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स सीखते वक्त ये गलतियाँ कर देते हैं भी यहाँ पर 1 अप्रैल 2022 है और यहाँ पर 31/3/23 लिख देंगे, क्योंकि वो इस चीज़ को नहीं देखते भी उससे पहले ऑप्शन मांगा क्या जा रहा है। बुक बिगनिंग प्रूफ यानी कि आपका बिजनेस कब से स्टार्ट है वो डेट मांगी जा रही है, नहीं कि आपका फाइनेंशियल ईयर एंड डेट पूछी जा रही है। देन उसके बाद में इनेबल एडिट लॉग, तो ये एडिट लॉग के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये वीडियो हम केवल सिंपल तरीके से आपको समझा रहे हैं। एडिट लॉग का मतलब जैसे कि कंपनी के रूल के अकॉर्डिंग अगर आपने कोई डाटा चेंज करता हो तो उसको रिकॉर्ड को आपको सेव रखना होता है, तो हमने इसको एडिट लॉग को एक बार नो करेंगे। देन उसके बाद अगला हमारा पॉइंट आता है सिक्योरिटी का। ये सिक्योरिटी का मतलब आप अपनी कंपनी को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो करना चाहते हो तो आपके सामने दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे यहाँ पर, पहला ऑप्शन सेट वैलिड पासवर्ड का और दूसरा कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा। तो यानी कि इसका दोनों में डिफरेंस क्या रहने वाला है, भी दोनों का डिफरेंस जो रहेगा भी अगर आप कंपनी का नाम स्क्रीन पर नहीं दिखाना चाहते हो तो आपको ये टैली का वैलिड पासवर्ड यूज़ करना है। अगर आप चाहते हो भी कंपनी का नाम तो आपको इस लिस्ट में दिख जाए लेकिन वो पासवर्ड के बगैर आगे न चले, तब उसको आपको ये यूज़ करना है सेकंड वाला ऑप्शन। तो बेटर ये रहेगा कि आप सेकंड वाला ही यूज़ करें। जैसे हम इस पर इंटरप्रेस करेंगे तो उसके बाद हमारे से पूछ लेगा यूज़र नेम। तो अब यूज़र नेम एक बार मैं ए दे देता हूँ और उसके बाद में पासवर्ड 123 करूँगा और रिपीट पासवर्ड 123 कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जैसे अभी आपने देखा एक एयर मैसेज हमारे पास आया था 1234, हम चेंज करते हैं इसको। तो ये इस टाइप की एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने आएगी, जैसे हम कंफर्मेशन पासवर्ड में मांगे तो ये कह रहा है भी आपका जो पासवर्ड आपने जो भी नोट किया है उस पासवर्ड को आप कहीं पे नोट करके रख लिए, अदरवाइज आपका डाटा लॉस हो सकता है। तो ये एक तरीके की वार्निंग सॉफ्टवेयर की तरफ से आपको दी गई है। और उसके बाद में इनेबल टैली फीचर्स, इसको आपको यस कर लेना है। अब ये केस कहाँ भी यूज़ कैसे होगा इसकी कहानी हमें बाद में पता चलेगी, जब हम ट्रांजैक्शन पास कर लेंगे फाइनल डाटा की तरफ जाएंगे ना तब इसका ऑप्शन यूज रहेगा। डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड, आपको इसको नो रखने देना है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में ये जो डिटेल्स आएगी बिल्कुल एंड पे आपको ये 8 पॉइंट्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारी इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग इंडियन फीचर्स के अकॉर्डिंग ये सब कुछ सेट होता है, तो इससे हमें कुछ ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत होती नहीं है। लेकिन फिर भी आप चाहते हो भी इन सभी 8 फीचर्स के बारे में हमें थोड़ा सा डीपली नॉलेज चाहिए, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना दिया है इन सभी केवल 8 पॉइंट्स पे। तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
वीडियो के ऊपर आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा। तो आप इन आर्ट के बारे में अगर आप डीपली जानना चाहते हो तो वहाँ पर आप इस वीडियो को देख सकते हो। और उसके बाद हमारी बात आएगी एक्सेप्ट करने की। तो उसके बाद जैसे हमने कंपनी को कलेक्ट किया तो हमारा यूज़र नेम था ए और पासवर्ड था 1234 का। जैसे हम प्रेस करेंगे तो ये कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगा और ये विंडो हमारे सामने ओपन होके आ जाएगी। अब उसके बाद हमारा था कंपनी का, कंपनी क्रिएट करने के बाद में जो हमारी बात आएगी हमारी कंपनी की जो टैक्स इन्फॉर्मेशन से संबंधित जो भी डिटेल है वो लिखने की। जैसा कि सबसे पहला काम आपका है आपकी कंपनी का जीएसटी नंबर डालना। तो जीएसटी नंबर हम कहाँ पे डालेंगे, तो अगर ये ऑप्शन आपके सामने खुल जाए तो ठीक है, अगर ना खुले भाई तो आप सीधा यहाँ पर आ गए और आपने गलती से स्केप कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा कंपनी का, आप कंपनी पर क्लिक करोगे और उसके बाद में आपको एक ऑप्शन और दिखाई देगा उसके बाद में फीचर्स का, जिसकी शॉर्टकट कमांड है F11। आप कीबोर्ड से F11 भी शॉर्टकट प्रेस कर सकते हो। F11 हमने प्रेस किया और ये विंडो आपके सामने बाद में ओपन हो जाएगी। तो उसके बाद में ये हमें डिटेल यहाँ पर डालनी है, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि GST। तो ये ऑप्शन आपको अगर नो है तो यस करना पड़ेगा। जैसे हम इसको यस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे यस करके, तो ये GST की डिटेल हमारे से पूछ लेगा। तो सबसे पहले जो डिटेल हमारे से पूछेगा स्टेट, तो स्टेट हमने राजस्थान ऑलरेडी तभी दे दिया था जब हमने कंपनी क्रिएट करी थी। और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन टाइप, तो रजिस्ट्रेशन टाइप के अंदर दो ऑप्शन आपसे ये पूछेगा भी आपका रजिस्ट्रेशन किस के अंदर हुआ है, कंपोजिशन के अंदर हुआ है या फिर रेगुलर के अंदर है। तो फिलहाल जो हम इस वीडियो के मतलब सीरीज़ के थ्रू जो सीखने वाले हैं वो रेगुलर की सीखेंगे, तो एक बार मैं इसको रेगुलर ही सिलेक्ट करूँगा। अब रेगुलर और कंपोजिशन में डिफरेंस क्या होता है इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हो, लिंक उसका भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन उसके बाद के अंदर GST एप्लीकेबल आप 1/2022 कर सकते हो। अगर आपका GST नंबर शुरुआत से ही चल रहा है तो आप यहाँ पे 1/1/2017 भी कर सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में आपकी कंपनी का जो GST नंबर है वो आपको GST नंबर यहाँ पर फिलअप करना होगा। अब GST नंबर हमारा कहाँ से हमें मिलने वाला है, GST नंबर जो अभी हमने इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपनी बिल बुक के माध्यम से ले सकते हो, अदरवाइज आप अपना जैसा कि अभी हमने एक्सेल की डिटेल के अंदर अभी जो लिखा था यहाँ से आप ले सकते हो। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने सारी है इसी बिल बुक से ली हुई है। तो हमारा ये GST नंबर एक बार मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद में आपको तो लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको पास कॉपी करने का कोई ऑप्शन नहीं है। और उसके बाद में आपकी जो GSTR 1 रिटर्न फाइल करने की जो आपकी लायबिलिटी बनती है वो मंथली है या फिर क्वार्टरली है, तो उसको भी हम एक बार मंथली लेके चलने वाले हैं। और उसके बाद में कुछ एडिशनल फीचर आपको और दिखाई देंगे यहाँ पे। अब ये एडिशनल फीचर्स आपके कब काम आने वाले हैं कि अगर आपकी कंपनी के ऊपर RCM डिपॉजिट कराने की लायबिलिटी बनती है या नहीं बनती है उसके लिए है, तो इसके लिए हम डिटेल्स में बाद में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हम एक बार इसको RCM का जो ऑप्शन है उसको हम एक बार इनेबल कर लेंगे, इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज यानी कि RCM का है। तो इस ऑप्शन को हम एक बार यस करके चलेंगे। RCM की इनवॉइस के बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे सारी बातों पे। और उसके बाद के अंदर आपकी डिटेल्स आएगी ईवे बिल की। अब ईवे बिल का मतलब भी अगर आपकी कंपनी GST में रजिस्टर्ड है और आपकी कंपनी किसी को 50,000 से क्या इनवॉइस ऊपर जो टैक्सेबल इनवॉइस है वो बनाता है, यानी कि जो टैक्स वाले प्रोडक्ट हैं उनकी वैल्यू 50,000 से ऊपर की ज़्यादा रहती है तो आपकी कंपनी पर ईवे बिल बनाने की भी लायबिलिटी बनती है, तो आपको ईवे बिल भी एप्लीकेबल कर लेना है। और उसके बाद में आपकी जो इनवॉइस वैल्यू है कितनी है आपकी, आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल सकते हो, 50,000 है या फिर 1,00,000 है या फिर 2,00,000 है, तो वो यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं। और उसके बाद के अंदर हमारी जो इंटरस्टेट और इंटरस्टेट दोनों के लिए, तो हम दोनों के लिए यस कर देंगे। और उसके बाद में आपको प्रिंट ईवे बिल है जो इनवॉइस के ऊपर सेलेक्ट करना है, इनप्रिंट करना है, तो इसको यस कर देंगे। और उसके बाद में अगर आपकी कंपनी की ई इनवॉइस की भी अगर लायबिलिटी बनती है, अगर आपकी कंपनी की टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको ई इनवॉइस भी बनाना पड़ेगा। अगर ई इनवॉइस बनाते हैं तो आपको इस ऑप्शन को भी यस करना पड़ेगा। और एंटर प्रेस करते हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। और उसके बाद बात आएगी TDS की। अगर आपके पास कंपनी TDS काटने की लायबिलिटी बनती है तो आपकी कंपनी के पास में 10 नंबर भी होगा, तो 10 नंबर जो होगा वो हम यहाँ पर लिखते हैं TDS के ऑप्शन में। जो 10 नंबर रहेगा वो आपका TCS और TDS की कंडीशन में दोनों का सेम ही होता है, दोनों ये हमारे एज ए
इनकम टैक्स के ही पार्ट आते हैं। उसके बाद में जो 10 का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है। जो भी हम आपके पास है वो आप देख सकते हो। देन उसके बाद में जो डिडक्टर टाइप, यानी कि जो आपकी कंपनी है वो कंपनी है या फिर इंडिविजुअल है, तो आपको जो भी सिलेक्ट करना हो, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में जो डिडक्टर की ब्रांच की डिवीजन है कहाँ पर है, तो आपको अपनी ब्रांच भी लिखनी पड़ेगी। उसके बाद में जो आपका इसकी जो एडिशनल डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। और उसके बाद में इसको एक्सेप्ट करें और इसको भी हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये था हमारा कंपनी क्रिएट करने का एक प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल तरीका है, सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल के साथ में। अब उसके बाद आएगी हमारी कंपनी की हमें लेज़र क्रिएट करनी है। तो लेज़र आपको किस प्रकार से क्रिएट करने हैं, अभी हम केवल दो टाइप के लेज़र क्रिएट करके आपको हम बताने वाले हैं। भी सबसे पहला भी जो हमारे सप्लायर्स हैं, सप्लायर कौन से होगा, भी जिससे हम माल परचेज करते हैं तो वो हमारे सप्लायर हो गए। तो उसका लेज़र हम किस प्रकार से बनाते हैं, तो लेज़र बनाने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली यानी कि शुरुआत के फर्स्ट पेज पे आपको आ जाना है। उसके बाद आपको जाना है फर्स्ट ऑप्शन क्रिएट के ऊपर, और क्रिएट के बाद जाने के बाद आपको ऑप्शन दिखाई देगा लेज़र का, लेज़र आपको सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में आपको अपने सप्लायर्स, जो भी आपकी पार्टीज है जिनसे आप गुड्स परचेज करते हो, उनके लेज़र आपको क्रिएट करने, जैसे कि मैंने विजय ट्रेडिंग कंपनी के नाम से लेज़र क्रिएट कर दिया। अब ये मेरे लिए सप्लायर है तो इसका ग्रुप मैं क्या रखने वाला हूँ, सेंट्री क्रेडिटर। तो हम इसको रखेंगे यहाँ पर सेंट्री क्रेडिटर को। और उसके बाद के अंदर आपकी इसकी जो एड्रेस की जो डिटेल्स हैं वो एड्रेस आपको पता होना चाहिए। एड्रेस आपको जो इनवॉइस आपके पास है उस इनवॉइस के आधार पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको इस वाउचर को देख के यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था, मैं यहाँ पर इसको एक बार कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। देन आपको इसका स्टेट, कंट्री और इसका जो आपका पिन कोड है इसके एरिया का, वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन टाइप, जीएसटी है इसके पास में तो ये रेगुलर है, तो इसका जो पार्टी का जो जीएसटी नंबर है वो भी आपको लिखना पड़ेगा, वो आपको इसके इनवॉइस के ऊपर ही आपको मिल जाएगा। तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर देख के और जीएसटी नंबर के अंदर डालना होगा। और उसके बाद में हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये तो था हमारा सप्लायर का। अब हमने जिनको सामान बेचा हुआ यानी कि जो हमारे कस्टमर है, उनका लेज़र भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। उनका लेज़र हम किस प्रकार से क्रिएट करेंगे, वो आपका लेज़र कहाँ से पता चलेगा, जो आपकी कंपनी की जो टैक्स इनवॉइस की जो बिल बुक है उसके आधार पर आपके जितने भी कस्टमर हैं उन सभी के लेज़र आपको यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। जैसा कि मैंने कस्टमर है सुरेश ट्रेडिंग कंपनी के नाम से, इसका लेज़र मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो सुरेश ट्रेडिंग कंपनी का नाम मैंने यहाँ पर लिखा। उसके बाद में अब इसका जो ग्रुप सिलेक्शन क्या रहने वाला है, अगर ये मेरा कस्टमर है तो इसका ग्रुप सिलेक्शन रखेंगे सैलरी डेब्टर्स में। तो हम इसको रखेंगे सैलरी डेब्टर्स में। और उसके मैं डेब्टर्स में आने के बाद में आपको ये मेंटेनेंस बिल बाय बिल डिटेल आपको यस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, या नो करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यस करोगे तो भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। उसके बाद आप अपने कस्टमर का जो एड्रेस है आपके पास में, उस एड्रेस को यहाँ पर आपको फिलअप करना है। जैसे कि मैं टाइम के चक्कर में इसको कॉपी कर रहा हूँ, आपको लिखना पड़ेगा। और उसके बाद में आप उसके कस्टमर का जो एरिया का पोस्टल कोड वगैरह है वो आपको लिखना है। अगर आपका कस्टमर रजिस्टर्ड है यानी कि उसके पास भी जीएसटी नंबर है तो वो भी आपको पता चल जाएगा आपकी बिल बुक के आधार पे। अगर आपके बिल बुक के उसका जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा। और लिखेंगे किस कंडीशन के अंदर, यहाँ पर आने के बाद में, तो अगर रेगुलर में है तो रेगुलर आपको करोगे, अगर आपका कस्टमर अनरजिस्टर्ड है यानी कि उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो उस कंडीशन में हम इसको करने वाले हैं अनरजिस्टर्ड। तो ये रेगुलर है और हम इसको जीएसटी नंबर यहाँ पर लिख देंगे और एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये तो था हमारे पार्टी के लेज़र क्रिएट करना। और उसके बाद बात आएगी कंपनी में जो हमारी स्टॉक आइटम्स जो हम यूज़ करते हैं वो हमारी कहाँ से बनती है। तो स्टॉक आइटम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वापस बैक जाएंगे उसके, क्योंकि मैं आपको शॉर्टकट तरीका नहीं बता रहा हूँ, जो लॉन्ग टाइम है, जो लॉन्ग तरीका वो आपको मैं बता रहा हूँ, शॉर्टकट अपने आप ही समझ में आ जाएगा। क्रिएट पर जाएंगे, स्टॉक आइटम को हम यहाँ से सेलेक्ट करने वाले हैं। अब इसके अंदर स्टॉक आइटम से पहले आपको कुछ और बातें भी ध्यान में रखनी है, जैसे कि आपकी स्टॉक की यूनिट क्या रहेगी, स्टॉक का ग्रुप आप क्या रखने वाले हो, और स्टॉक की कैटेगरी आप कौन सी सेलेक्ट करोगे। तो आप चाहो तो इनको साथ के साथ शॉर्टकट भी बना सकते हो, अदरवाइज यूनिट, स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी आप पहले से ही बना के रख सकते हो, हम साथ के साथ ही क्रिएट कर देंगे। स्टॉक आइटम पर जाएंगे और उसके बाद जो हमारी स्टॉक आइटम है,
जैसा कि हमारे ये पास ये परचेज इनवॉइस है। अब इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास ये जो स्टॉक आइटम आई है, इस स्टॉक आइटम को यहाँ से हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद में यहाँ पर हमारा स्टॉक आइटम के नाम हम लिखेंगे, और उसके बाद के अंदर इसका अगर कोई पार्ट नंबर अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, अदरवाइज आप इसको हटा सकते हो। और उसके बाद में पूछेगा अंडर। अब अंडर क्या चीज़ रहने वाला है, भी अंडर ये हमारे तरीके कंपनी के लिए एक तरीके का ये इलेक्ट्रिकल गुड्स है, और इस पर GST 12% एप्लीकेबल होता है, तो हमने इसका ग्रुप देना है इलेक्ट्रिकल गुड्स GST 12% का। तो ये बाई डिफ़ॉल्ट ये प्राइमरी आ रहा है, तो हम इसको नया क्रिएट कर देंगे। तो क्रिएट करने के लिए आप चाहो तो Alt+C यूज़ कर सकते हो, या फिर इसके क्रिएट के ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हो ऊपर जाके। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल गुड्स GST 18% इसी को हम एक बार कॉपी कर लेते हैं, और उसके बाद में इसका ग्रुप अंडर प्राइमरी ही रखना है। और उसके बाद में कैटेगरी, अब कैटेगरी देना चाहते हो तो जैसे कैटेगरी का मतलब हो गया भी आप ये जो इलेक्ट्रिकल गुड्स तो है लेकिन किससे संबंधित है, जैसे कि हमने किया लाइटिंग से संबंधित है, या फिर आपका कोई रेफ्रिजरेटर से संबंधित है, या फिर कोई LED से संबंधित है, तो आप इसकी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसा मैंने यहाँ पर ये दिया भी ये लाइटिंग से संबंधित प्रोडक्ट है। और उसके बाद में यूनिट, अब यूनिट का मतलब क्या हो गया, अभी इस प्रोडक्ट को आप किस यूनिट के साथ सेल करोगे। अब यूनिट का मतलब, सेल का मतलब भी आप इसको बॉक्स के साथ सेल करने वाले हो, पीसीस के एक सिंगल पीस के साथ करोगे, या फिर आप इसका कोई और वेट के साथ वजन के साथ सेल करोगे, तो वो हमें देना है। तो अब जैसी बात है इस प्रोडक्ट को हम पीस के अंदर सेल करेंगे, तो हम यूनिट भी यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। क्रिएट पर हम जाएंगे, और यहाँ पर हम जो भी हमारी यूनिट रहने वाली है पीसीस, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। और उसके बाद में फॉर्मल नेम, यानी कि जो हमारा पीसीस का जो फुल नाम है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हो। और उसके बाद में यूनिट क्वांटिटी कोड, यानी कि UKC, तो ये हमारा यहाँ पर देना है PCS लिखेंगे तो पीसीस आ जाएगा। और उसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, ये पीसीस की कैटेगरी के अंदर सिंगल यानी कि जीरो ही रहता है, ये एक्सेप्ट करेंगे। तो ये तो था हमारा कैटेगरी सेलेक्ट करना। उसके बाद आ जाएगी हमारे पास ये स्ट्रेचरी डिटेल। अब स्ट्रेचरी डिटेल्स के अंदर क्या रहने वाला है, भी इस प्रोडक्ट की जो टैक्स से संबंधित डिटेल है, जैसे कि स्केचेसन कोड, टैक्स रेट, डिस्क्रिप्शन, वो हम क्या कहाँ लिखने वाले हैं, वो हम लिखेंगे, इसको एप्लीकेबल करेंगे, सेट GST डिटेल को यस करेंगे। जैसे यस करेंगे तो ये विंडो हमारे सामने हो जाएगी, और यहाँ पर हम लिखने वाले डिस्क्रिप्शन के अंदर जैसे हमने लिख दिया LED, और इसका HSN जो कोड है वो आपको इनवॉइस पे मिल जाएगा, जैसे कि 9405 का। अब आपकी कंपनी के ऊपर ये 4 डिजिट का लागू होता है, या HSN कोड 6 डिजिट का लागू होता है, या फिर 8 डिजिट का लागू होता है, तो वो आपको प्रॉपर मेंशन यहाँ पर करना पड़ेगा। और इसके बाद देगा इज नॉन गुड्स GST, इसको आपको नो रखने देना है। उसके बाद में कैलकुलेट टाइप ऑन वैल्यू रखना है, और उसके बाद में ऑप्शन आपसे पूछेगा भी टैक्स की लाइबिलिटी, यानी कि टैक्स एबिलिटी, इसके ऊपर टैक्स है या ये टैक्स फ्री है, तो टैक्स है तो इसको आपको करना पड़ेगा टैक्सेबल। और उसके बाद में रिवर्स चार्ज नो करेंगे, एलिजिबल फॉर इनपुट इसको भी हम नो रखेंगे। और उसके बाद में इसका टैक्स रेट, यानी कि इस प्रोडक्ट के ऊपर GST का टैक्स रेट क्या लगने वाला है, तो टैक्स रेट भी आपको इनवॉइस से मिल जाएगा, जैसे कि CGST आपका 6% है, SGST भी 6% है, तो यानी कि इस प्रोडक्ट के ऊपर 12% की GST लगती है, ये 12% का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर हम इसको 12% करेंगे। तो जैसे हम 12% करेंगे तो आपका ये सेंटर का टैक्स और स्टेट का टैक्स, यानी कि CGST और SGST, ये 6% हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इंटरप्रेस करते हैं हम इसको, विंडो को करेंगे एक्सेप्ट। देन टाइप ऑफ सप्लाई आपसे पूछेगा, यहाँ पर आपको गुड्स सेलेक्ट करना है। अगर आप MRP वगैरह इसका रेट सेट करना चाहो तो आप इसको यहाँ से MRP का रेट वगैरह भी सेट कर सकते हो, लेकिन हम MRP अभी इतना ज़्यादा कोई डीपली जाएंगे नहीं, इसको हम एक बार कर देंगे नो, और उसके बाद इसको हम करेंगे एक्सेप्ट। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हमने सीखा है भी हम टेली सॉफ्टवेयर के अंदर कंपनी क्रिएट करना, उसके बाद लेज़र क्रिएट करना, और इसके साथ साथ स्टॉक आइटम क्रिएट करना। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं Part 2 के अंदर भी इन सभी वाउचर की ट्रांजेक्शन को हम टेली सॉफ्टवेयर में किस तरीके से एंट्री करेंगे, यानी कि परचेज वाउचर की एंट्री किस प्रकार से होगी, सेल वाउचर की एंट्री किस प्रकार से रहने वाली है, पेमेंट रिसिप्ट सब की एंट्री हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप इसको सीखते जाएंगे। अगर आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक जरूर करना, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करना, ताकि ये आपका एक शेयर किसी जरूरतमंद की हेल्प कर सकता है।